Hey, good morning everyone, welcome back to my channel. This is day 2 in Bhubaneswar. Since you know, I came here yesterday. I'm driving back to my hometown and we decided to explore Odisha for a few days. So right now I'm driving, you can see this is a Bhubaneswar Puri highway. I'm driving to Dhaulgiri. Dhaulgiri is in, it's a historical place on the way to Puri. Famous for, this is the spot where Emperor Ashoka, he decided to quit the war. हमारे एक दोस्त हैं वो भी ज्वाइन करेंगे मुंबई से आज आ रहे हैं किरण भाई इज ए रॉक स्टार तो उसको भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपसे जल्दी तब तक चलते पहले धौलगिरी एंड ऑलराइट सो गाइस दिस इज दया रिवर विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट तो ये भी ब्रिज है जो क्रॉस कर रहे हैं आई डोंट नो इफ इज विजिबल राइट साइड इफ यू कैन सी दैट इज धौलगिरी टॉप जो उसका माउंट है दिख रहा है जो टेम्पल है वहाँ पे तो वी आर अबाउट टू रीच थोड़ी देर में आगे जाके विल टेक राइट एंड देन विल रीच So this is Dhaulgiri. I think this is the parking. But there's no parking. No one is there. Police. I hope I can take my car. Stop. Okay, so there is no any parking upstairs. I'll have to park here itself. This is the parking. Paid parking. And then we'll go up. This is the parking zone. We have parked the car. You're walking up. ऊपर जाएंगे दिन I'll show you क्या क्या चीज़ें हैं ऊपर सो आई एम कमिंग हियर एज अ टूल आई एम कमिंग हियर आफ्टर 7 years तो ये पंथिका मतलब रहने का जगह है गेस नहीं नुड़िया पंथिका मील्स अवेलेबल है काफ़ी क्राउड है इट्स नॉट वेरी फेमस स्पॉट बट इंटरनेशनल टूरिस्ट ऑल्सो कम एंड विजिट हियर बिकॉज दिस इज एक्चुअली Important historical place as I said. So चलते हैं ऊपर From this way, थोड़ी सी ट्रैकिंग थी छोटी सी And then this is a place called Dhaulgiri. This is actually a Bodh stupa. So the Emperor Ashoka, after the Kalinga War, he decided to quit the war as I said, because बहुत ज़्यादा impact हो गए थे जो खून खराब हुआ He decided not to do any war. He left everything and he adopted Buddhism. बौद्ध धर्म अपनाए थे यहाँ पे उसके बाद से उनकी बहुत सारी कहानियाँ आज हैं यू कैन ऑल्सो रीड ऑनलाइन तो देखता हूँ ऊपर जाके दिखाऊंगा तक मेरे को लाइव आता ऑल राइट गाइड सो दिस इज बहुत गर्मी है देखो खाली पैर चल रहे हैं सो दिस इज धौलगिरी शांति स्तूपा सी इट्स वेरी हिस्टोरिकल वेरी नाइस यू नो place you must come if you are visiting Bhubaneswar or Puri then this is on the way once you leave Bhubaneswar towards Puri this is on the upstate वहाँ पे क्या है इसके अलावा लेफ्ट साइड देयर इज अ रिवर कॉल्ड दया रिवर तो इतना जब लोग मरे थे तो ऐसा माना जाता है कि इतना ब्लड बहा था द ब्लीडिंग वॉज टू मच बिकॉज ऑफ लैक्स ऑफ पीपल हैज बिन किल्ड तो पूरा का पूरा जो नदी था वो रेड हो गया था तो आई विल शो यू फ्रॉम द टॉप मॉडल थिंग्स आर देयर मैं आया था कुछ 6-7 years बैक व्हेन आई वाज इन कॉलेज हियर कलिंगा यूनिवर्सिटी 2014 आई वाज हियर सो आई हैव अ पिक्चर ऑफ दैट डे सो आई विल ट्राई टू टेक अनदर पिक्चर विद द सेम पोज एंड आई विल कंपेयर आफ्टर 7 years मॉडल थिंग्स हैज बीन चेंज हियर सो दिस इज द स्तूपा दिस इज द स्टैचू ऑफ बुद्धा एंड आई विल शो यू द अनदर रिवर व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट दया रिवर इफ यू कैन सी देयर इट्स लेफ्ट साइड I'll take a better view from that side. One second. Yeah, so see, this is Daya River. If you can see, this is Daya River, जिसे बोला जाता है कि जब वॉर हुआ था कलिंग का तो the complete river, it was red because of blood. इतना ब्लड बहा था कि रिवर ही पूरा ब्लड से भर गया था एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया दैट नो वॉर एनी मोर एंड ही क्विट द वॉर एंड टुक द ओथ ऑफ बुद्धिज्म तो एक बारी मैं चाह रहा था क्या है पीछे से भी एंड लेफ्ट साइड देयर इज अनदर टेंपल जो बाद में बना है बट दिस इज वेरी ओल्ड सो दिस इज द प्लेस वेर ही टुक द ओथ ऑफ बुद्धिज्म एग्जैक्टली एट दिस प्लेस पे इसलिए इसको बोला जाता है देखो बुद्ध के आपको मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे यहाँ पे गौतम बुद्धा का सो इज अ साइन ऑफ पीस विच इज ऑलवेज गुड फॉर द ह्यूमैनिटी एंड द सोसाइटी And this is a place where I took a picture some 7 years back. I'll take another picture and I'll compare it on social media. I'll post it probably. So this is another
गौतम बुद्ध स्टेचू. सो दैट्स इट. सो इज अ प्लेस मे बी लेट मी कम लाइव ऑन फेसबुक.